परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, आइए उसकी महिमा करें कुछ गीतों गाकर। ताली बजाकर धन्यवाद।
आशीर्वाद हो। हालेलुया। यस, उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। वो परमेश्वर आज की सुबह हमारे बीच में है। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, इस बात को कहें। सुनिए अरज महाराज रे, राखो मोरी ला, दया करो रे कष्ट मिटा दो, मन को की जो सुन ले, सुन ले, सब कहें सुन ले, सुन ले, सुन ले, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी ला, राखो मोरी ला,
जैसा हमने गाया है, आपका मैं शैदा कहलाऊं, तेरी ही आस लगी यीशु, तेरे ही दर्शन की आस लगी है मुझे। प्रभु जी होने दीजिए आज की सुबह मेरा जीवन आपके गुणगान को गाने पाए, मेरा जीवन युगानुयुग आपकी महिमा करने पाए, आपको ऊंचे पर उठाने पाए, क्योंकि आपका नाम ऊंचा है, आपका नाम ऊंचा है, अद्भुत है, सामर्थ्य है। प्रभु आपके कार्य हमारी समझ से परे हैं। प्रभु जी हम जानते हैं जब हमें चंगाई की आवश्यकता होती है तो हमें कहना भी नहीं पड़ता, आप हमें चंगाई दे देते हैं यीशु। यीशु जब हमें आपकी शांति की आवश्यकता होती है तब आप हमें अपनी शांति दे देते हैं यीशु मसीह। आज की सुबह यीशु तेरी महिमा को गाते हैं, हालेलुया, और इस बात को कहते हैं, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरा नाम है सब नामों बचाता है यीशु नाम, यीशु आग पे चलाता है यीशु नाम, यीशु Thank you.
सामर्थी बनाता है यीशु नाम, यीशु नाम कहेंगे तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में है मुक्ति, तेरे नाम में हर खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम मिलकर तेरा नाम है सब नामों में पार। ओ यीशु हालेलुया, तेरे नाम से हम पाते हैं, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं रजा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। परमेश्वर हमें हालेलुया ऊंचे स्थान में ले जाता है, वो हमें आग पे चलाता है, वो हमें सामर्थ्य बनाता है, वो हमें ऊंचा उठाता है, वो हमारे जी में जी ले आता है, वो अपनी सामर्थ्य को दिलाता है, हम पर दया करता है, वो अद्भुत है, वो अनुग्रहकारी है, उसकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, उसकी महिमा करें, तेरी महिमा हो। सत्य है, तू ही जीवन
Remember and know who we are. ये जरूरी है कि हम सब लोग इस बात को याद करें कि हम कौन हैं. Now I know who you are from. You know your name. You know your family. You are from so and so family. All these things you know. और ये बात तो सत्य है कि आप जानते हैं आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप किस परिवार से हैं. ये सब तो आप जानते हैं. Then why are we here in this place singing a different song and worshiping a God who is unlike any other God? तो फिर हम सब लोग क्यों इस स्थान पर इकट्ठा होते हैं और अलग-अलग गीतों को गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं? What God has made us to be? और एक ऐसा परमेश्वर जो बिल्कुल अलग है और परमेश्वर ने हमें किस कारण से बनाया है? That we know, we must know. और ये बात हमें जानना जरूरी है. And if we know and remember who we are in Christ Jesus, और अगर हम इस बात को जानने पाएंगे कि मसीह यीशु में हम क्या हैं, and what God has made us to be, और परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बनाया है, then we will not be worrying about anything. और तब हम किसी बात के लिए चिंता नहीं करेंगे. We will not be afraid of anything. हम किसी बात के लिए डरेंगे नहीं. And we will not be anxious over any kind of problem. और किसी भी प्रकार के समस्याओं के ऊपर हम चिंता नहीं करेंगे. And not only that,
You need to know your identity in Jesus Christ. और न सिर्फ इतना लेकिन हम सबको जरूरी है कि हम अपना पहचान कर ले कि यीशु मसीह में हमारा पहचान क्या है. If only you remember your identity in Christ, you will discover the purpose of your life. और अगर हम सिर्फ इतना पहचान लेंगे कि मसीह यीशु में हमारा पहचान क्या है, तो फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानने पाएंगे. I am sorry that so many Christians and so many believers even, they do not know what is the purpose in life. Why are you here? What is the purpose? और ये दुख की बात है कि बहुत से मसीह लोग और बहुत से विश्वासी इस बात को जानते नहीं है कि उनका जीवन का मकसद क्या है. So I want to read a few scripture verses. So कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ. I don't know whether I'll be able to finish everything today. मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपने संदेश को आज पूरा कर पाऊंगा या नहीं. But at least we will read 2-3 verses. लेकिन कम से कम 2-3 पदों को हम पढ़ेंगे. Who are we? What God made us to be? हम कौन है? परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया? And so first of all, we will read the gospel according to St. John chapter 1 verse 12. सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहूना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12 पद. I believe that all of you read the Bible every day. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपने बाइबल को रोज पढ़ते हैं. And you read systematically. और एक क्रम के अनुसार आप पढ़ते हैं. That means if you read New Testament, you begin with the Gospel according to Matthew and then go like that. Matthew chapter 1, 2, 3, 4. और इसका मतलब यह है कि अगर आप नया नियम को पढ़ रहे हैं तो फिर मती से शुरू करके आप उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं. How many of you have read the whole Bible at least once in your life? आप में से कितने लोग पूरा बाइबल को कम से कम एक बार आप पढ़ चुके हैं? Very few people. बहुत कम लोग. You know, we can finish reading the Bible, the whole Bible, once in a year. ये पूरे बाइबल को हम एक वर्ष में हम पूरा हम पढ़ सकते हैं. So like that, every year if you read the Bible once, then that means if you live from the time you are able to read, if you live 50 years, you will finish reading the Bible at least 50 times. और इसका मतलब ये है कि अगर एक वर्ष में आप एक बार पूरे बाइबल को पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप जितने वर्ष आप जिएंगे, उतने बार आप बाइबल को पढ़ चुके होंगे. So I'm sure you have read these verses many times. So मैं निश्चय करता हूँ कि ये जो पद हैं, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे. But what do these verses mean? लेकिन इन पदों का अर्थ क्या है? Read chapter 1 of the Gospel according to St. John chapter 1 verse 12. यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12 पद हम पढ़ेंगे. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. डिड यू हियर दैट? क्या आपने सुना है? आई डोंट नीड टू प्रीच. और प्रचार करने की जरूरत नहीं है. व्हाट डज इट से हियर? यहां पर क्या लिखा है? Those who believe in Jesus Christ, वे लोग जो यीशु मसीह पर अपने विश्वास को रखते हैं, they have been given the right. उनको ये अधिकार दिया गया है. It is our those who believe in Jesus. It is their right. और वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये उनका अधिकार है. क्या अधिकार दिया है? किसकी संतान? परमेश्वर के. जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, उसको, उन लोगों को ये अधिकार दिया है. किसने दिया? परमेश्वर ने खुद दिया, और कोई मनुष्य नहीं. परमेश्वर ने खुद ये अधिकार आपको दिया. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, क्या होने के लिए? परमेश्वर के संदान. सो हु आर यू? सो आप कौन है? परमेश्वर
आपने परम यीशु मसीह पर विश्वास करा किया है? Yes. सब लोग हाथ उठाए, yes. परमेश्वर को स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से कहिए, ये कितना महत्वपूर्ण एक क्या है, प्रिविलेज है, सौभाग्य है, सौभाग्य है। किसकी संतान? कुछ मान लोग हमने सुना है बच्चों को डांटते हैं, यू शैतान की बच्चा। क्या आपने सुना है? आपने ये शब्द इस्तेमाल किया कभी? जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब ये शब्द इस्तेमाल किया होगा। अगर आपके बच्चा शैतान की बच्चा है तो आपका पति कौन है? शैतान है क्या? शर्म की बात है, ऐसा नहीं बोलना। हम किसके संतान है? शैतान की नहीं, हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी आनंद काल का परमेश्वर, हालेलुया, मुक्तिदाता परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर के संतान हूं मैं, हालेलुया। आपका पदवी का, डोंट फॉरगेट योर प्रिविलेज, आप अपने सौभाग्य को कभी भूले ना। तो कुछ विश्वासी लोग कैसे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं है, हम क्या है, बेकार है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये है वो है, ऐसा मत जाना इधर उधर। आपका हालत को देखकर दूसरे लोग कहेंगे ये विश्वास क्रिश्चियनी है, अरे तो हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं रखना, आप आपके एक, एक पवित्र घमंड, पवित्र घमंड क्या होता है ना, ये परमेश्वर ने जो पदवी आपको दिया उस पदवी पर आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं कौन हूँ? Who am I? हम कौन है? परमेश्वर के संतान। I am a God's child. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। ये सब लोग बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। ये परमेश्वर कौन है? पूरा भूमंडल का को सृष्टि करने वाला परमेश्वर। खुश हैं आप? चाइल्ड ऑफ गॉड, डोंट बी अफ्रेड। परमेश्वर के संतान आप डरे नहीं। यू आर नॉट पुअर, आप निर्धन नहीं हैं। यू विथआउट क्राइस्ट यू वेर अ नोबडी, और मसीह के बगैर आप कुछ भी नहीं थे। यीशु मसीह के बगैर आप कुछ नहीं था, लेकिन अभी आप क्या है? यीशु मसीह का पिता, पवित्र पिता का संतान आप भी है, क्योंकि आपने ये निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह जिनको ये पिता ने God the Father sent him into this world. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा to be our savior, ताकि वो हमारा उद्धारकर्ता बन जाए। And you and I, we choose to believe in him. और ताकि आप और मैं इस बात को चुन ले कि हम उस पर विश्वास करेंगे। और इधर कार्या है, उसको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। If you are a believer in Jesus, it is your right to become God's child. अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। If I am a son, अगर मैं एक बेटा हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो I have certain privileges. तो फिर उसके साथ साथ मेरे पास कुछ ऐसे सौभाग्य भी हैं। आई हैव
the privilege of enjoying the blessings of heaven. और कुछ ऐसे लाभ हमें मिल जाते हैं कि हम स्वर्ग के आशीषों का आनंद उठा सकते हैं. I am able to enjoy these privileges, these blessings, and this wealth and protection and provisions and all the riches and our Father's love. I am able to enjoy all these blessings. और जितने भी सौभाग्य हैं, जितने भी आशीष हैं, जितना भी धन है, जितना भी जो एक संतान को मिलता है आशीष, वो सब परमेश्वर पिता हमें देता है. Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians का पहला अध्याय और तीसरा पद. One verse 3. मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. और जब कभी तुम सब के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. स्वर्गीय स्थान में हर प्रकार की आशीषें हैं. एंड व्हाट डज इट से हियर, यहां पर क्या लिखा है? आई थैंक गॉड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, कि प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो. Who has blessed us with all the heavenly and spiritual blessing. जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. सब प्रकार की, बोलिए जोर से बोलिए, सब प्रकार की, सब प्रकार की आशीषें. कहां से? स्वर्ग से. स्वर्गीय आशीष है सब प्रकार की. अब वहां का आशीष सब प्रकार की आशीष है. इट दीज ब्लेसिंग्स मीट एवरी नीड दैट वी हैव. और ये जो आशीष है हमारे जितने भी आवश्यकता है वो सब पूरा करते हैं. सो आई एम आई नॉट ओनली हैव द राइट टू बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड. सो न सिर्फ ये मेरा अधिकार है कि मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूं. आई ऑल्सो हैव द राइट. And it is a privilege for me to enjoy all the spiritual blessings in heavenly places. ये मेरा अधिकार और सौभाग्य भी बन गया है कि स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार के आशीषों का आनंद उठाऊं. All the heavenly riches. सारे स्वर्ग का धन. All the wealth. और सारा जो धन वहाँ पर है. All the protection. हर प्रकार का सुरक्षा. And all the provision. सारे उपाय. And all the love. और सारा प्रेम. And all the healing. और पूरा चंगाई. And all the peace. और शांति. And joy. और आनंद. Hallelujah. Hallelujah. Everything have been given to me because I am a child. ये सारी बातें हमें दी गई हैं क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं. Do you lack anything? क्या आपके पास कोई घटी है, कोई कमी है? These heavenly blessings cannot be bought with money. और ये स्वर्गीय आशीष जो है इसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं. So even if you have all the gold in this world, all the silver in this world, you cannot buy even a small heavenly blessing. So चाहे इस पूरे संसार का सारा सोना और चांदी आपके पास हो, लेकिन स्वर्गीय स्थानों के जो आशीषें हैं उसका छोटा हिस्सा भी आप इससे खरीद नहीं सकते हैं. Because of Jesus, यीशु मसीह के कारण, I am a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ. And as a child of God, और परमेश्वर का संतान होने के नाते, I have all the inheritance in heaven. और सारी संपत्ति जो स्वर्ग में है वो मेरी है. Hallelujah. Hallelujah. And David said, और दाऊद ने कहा, The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है. Therefore, I don't lack anything in life. और इसलिए मुझे कोई कमी घटी नहीं है. Hallelujah. Hallelujah.
Who is my God? मेरा परमेश्वर कौन है? He prepares a table for me in the presence of my enemies. मेरे शत्रुओं के सामने एक मेज को बिछाता है. Hallelujah. Hallelujah. You honor God. आप परमेश्वर का आदर करें. And God will honor you. और परमेश्वर आपका आदर करेगा. God will honor you in the presence of your enemies. और परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपका आदर करेगा. God will honor you in the presence of your family who reject you. और आपका परिवार जो आपका तिरस्कार करता है परमेश्वर उसके सामने आपका आदर करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Because you are following Christ. और क्योंकि आप मसीह के पीछे चलते हैं. They will say. वे कहेंगे. अरे वारिया, you don't get any inheritance from your father. अरे क्या है, तुम्हारे पिता से कोई संपत्ति नहीं मिलेगा. I don't need any inheritance. मुझे कोई संपत्ति की जरूरत नहीं है. I have a father in heaven. मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है. All I need is inheritance of heaven. मुझे सिर्फ स्वर्गीय पिता का संपत्ति की जरूरत है. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Do you know Jesus? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? Is there anyone, a single person here who does not know what it means to live in a relationship with Christ? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि यीशु मसीह के संग रिश्ते में कैसे रहना है? Plead with you. मैं आपसे विनती करता हूँ. Don't go to sleep tonight until you invite Jesus to come into your life and you surrender. और आज की रात आप सोने ना जाए इससे पहले कि आप यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें. You know why? आप जानते हैं क्यों? Your life is very short. क्योंकि आपका जीवन बहुत छोटा है. It will be snatched away from you before you realize. इससे पहले कि आप एहसास करें आपका जीवन आपसे छीन लिया जाएगा. You came out of your home. आप अपने घर से बाहर आए. But no guarantee that you will reach. लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस घर पहुंचेंगे. You don't know. आप नहीं जानते हैं. Life is very fragile. क्योंकि जीवन बहुत कोमल है. There is no guarantee. इसका कोई गारंटी नहीं है जीवन का. But I tell you one thing. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. God has prepared for us an eternal life, which means life beyond this life. परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनंत जीवन की तैयारी की है. इसका मतलब इस संसारिक जीवन से परे एक जीवन है. Hallelujah. Hallelujah. That's what we have in Jesus. और यही जीवन हम यीशु मसीह में पाते हैं. That is the blessing of being a child of God. और यही एक आशीष है परमेश्वर का संतान होने का. Your life will not be over by death in this world. और आपका जीवन जो है इस संसार में मृत्यु से समाप्त नहीं हो जाता है. Death only means a transfer for a child of God. परमेश्वर के संतान के लिए मृत्यु जो है वो सिर्फ एक स्थानांतरण होता है. Only a shifting of place. और सिर्फ आपका स्थान बदल जाता है. Sometimes you shift your house, you know. और कभी कभी आप अपने मकान को बदलते हैं. You are living in a rental place. आप एक किराए के मकान में रहते and हैं. After one year, the मालिक will come, खाली कर दो हमको जगह. एक साल के बाद मालिक आता है, बोलता है कि आप घर को खाली कर दे. Then you are all worried. Suddenly, where are you going? तब आप परेशान हो जाते हैं. अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? But somehow you find a house. लेकिन किसी प्रकार आप एक मकान को ढूंढ लेते हैं. Then from one house you shift to another. फिर एक घर से आप दूसरे घर में चले जाते हैं. Death for a child of God who knows Jesus is only a shifting of residence. परमेश्वर के संतान के लिए जो मृत्यु है वो सिर्फ अपने रहने के स्थान को बदलना है. Only our body will go into the mud. सिर्फ हमारा ये देह जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा. But the real me who लेकिन जो me, वास्तविक मैं हूँ जो इस शरीर में रहता है. That real me will go to be with my heavenly father. वो मैं जो हूँ वो मेरे स्वर्गीय पिता के पास चला जाएगा. That is the assurance. और यही वो निश्चय है. Dear friend, मेरे मित्रों, if you do not know Jesus, अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, before it is too late, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, acknowledge him into your life and invite him and you surrender your life to him. अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, उसे ग्रहण करे. Worship him. उसकी आराधना करें. Serve him. उसकी सेवा करें. Love him. उससे प्रेम करें. Hallelujah. Hallelujah. We are part of God's family. हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं. We will never die. हम कभी भी मरेंगे नहीं. That is the inheritance of heaven.
और यही स्वर्ग का संपत्ति है. I have that eternal life. मेरे पास वो अनंत जीवन है. And I live with Jesus forever and ever and ever. और हमेशा 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 के लिए मैं यीशु के साथ जीऊंगा. Praise God. Hallelujah. Because he came and died for my sin. क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया, मेरे पापों के खातिर अपने जान को दे दिया. I was a slave to sin. मैं पाप के लिए गुलाम बन गया था. A slave to Satan. शैतान के लिए गुलाम बन गया था. Under at the grip of the devil. और शैतान के ग्रसन में आ गया था. Being dragged into hell. और शैतान मुझे नरक की ओर खींच ले जा रहा था. Jesus had compassion on me. लेकिन यीशु ने मुझ पर दया को दिखाया. He came down. यीशु मसीह संसार में उतर आए. He became a sacrifice for my sin. और मेरे पापों के खातिर वो एक बलिदान बन गया. Hallelujah. Hallelujah. And then he rose again. और फिर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा. आज वो जीवित है. And Jesus said, और यीशु ने कहा, Because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, you also will live. तुम भी जियोगे. Therefore I know. और How long will I live? और मैं कितने दिन तक जीऊंगा? As long as Jesus is alive. और जब तक यीशु मसीह जीवित है. And what did Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? I was dead. मैं मर गया था. But behold, now I am alive. लेकिन देखो, आज मैं जीवित हूँ. How long? और कितने दिन तक? I am alive forever and ever. मैं जीवित हूँ हमेशा 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 के लिए. This is eternal life. यही अनंत जीवन है. I have eternal life. मेरे पास अनंत जीवन है. I will not perish. मैं मरूंगा नहीं. And to live with him. और उसके साथ वास करूंगा. He also has prepared a heavenly body for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए एक स्वर्गीय देह का भी इंतजाम कर लिया है. A resurrection body. वो पुनरुत्थान किया हुआ शरीर. Where no more death can enter into. जहां कोई मौत नहीं प्रवेश कर पाएगा. No more sickness, no more pain. कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं. No more old age. कोई बुढ़ापा नहीं. No more pain. कोई दर्द नहीं. Hallelujah. Hallelujah. I live in that heavenly place with Jesus. और उस स्वर्गीय स्थान में मैं यीशु के संग वास करूंगा. It's a wonderful assurance God has given. और ये एक अद्भुत निश्चय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. That is an inheritance. वो एक संपत्ति है. Peace here on earth. संसार में शांति. Eternal life with Jesus. अनंत जीवन यीशु के संग. Amen. Amen. What a inheritance. क्या ही संपत्ति परमेश्वर ने दिया है. Heavenly blessing. सारे स्वर्गीय आशीषे. I have. Hallelujah. You know the wonderful thing. एक अद्भुत बात आप जानते हैं. You cannot buy sleep from the market. जो नींद है, अच्छी नींद जो है, आप बाजार से नहीं खरीद See, सकते in this हैं. World, everybody is afraid. इस संसार में सब लोग डरे हुए हैं. Poor people are worried. जो गरीब लोग हैं वो डरे हुए हैं. They wonder where do I get my food next. क्योंकि वो चिंता करते हैं मेरा अगला भोजन कहाँ से आएगा. Rich people are afraid. जो धनी लोग हैं वो भी डरे हुए हैं. Because everything but they are not able to enjoy. सब कुछ है उनके पास लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं. They don't sleep. वे सो नहीं पाते हैं. Because they don't know when the thief will break. क्योंकि वे नहीं जानते कि कब चोर आके चोरी कर लेगा. So they keep awake. So वे जगे रहते हैं. But do you know what? लेकिन क्या आप जानते हैं? If you know Jesus, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, and if there is someone here who has sleeping problem, और अगर कोई भी यहाँ पर है जिसको सोने की या नींद की समस्या है, you are not able to sleep. आप सो नहीं पाते हैं रात में. There are worries. और बहुत से चिंताएं हैं. And thoughts. बहुत से विचारे हैं. And fear. और बहुत सा डर है. And nobody want to talk about death. और कोई भी मृत्यु के विषय में बात नहीं करना चाहता है. Nobody even think of their own death. कोई अपने मौत के विषय में सोचता भी नहीं है. But then suddenly it happened. लेकिन अचानक वो हो जाता है. What to do? क्या करें? But when you have Jesus, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह है, no matter where you lie down, you will have comfort. चाहे जहाँ कहीं भी आप लेट जाए, आप सो जाते हैं. There is such peace in our heart. हमारे हृदय में इतना शांति होता है. Hallelujah. Hallelujah. This is temporary dwelling place, earth.
ये पृथ्वी जो है ये अस्थाई एक स्थान है. But that life is eternal. लेकिन जो स्वर्ग स्थानों में है वो स्थाई एक अनंत काल का जीवन है. As a child of God. So परमेश्वर का संतान होने के नाते. So now you know who you are. You are a child of. So अब आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं. So when somebody asks you who are you. So अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं. Don't say I don't know. ये ना कहे कि मैं नहीं जानता. God is my heavenly father. परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है. I am his child. मैं उसका संतान हूँ. Amen. Amen. Because I chose to believe in Jesus. क्योंकि मैंने चुना कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूँगा. And because I am a child of God. और क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ. I am a co-heir of with Jesus for all the heavenly blessing. और सो इसलिए मैं यीशु मसीह के साथ वो उसका वारिस हूँ, उसके सारे संपत्ति का वारिस हूँ. Then the Bible says. फिर बाइबल कहती है. God is love. कि परमेश्वर प्रेम है. My father is this God. और मेरा पिता ये परमेश्वर है. God is love. Is my father. जो परमेश्वर प्रेम है वो मेरा पिता है. He is love. वो प्रेम है. And he is eternal. और वो अनंत काल का है. He is omnipotent. और वो सर्वशक्तिमान है. And he is omnipresent. और सर्वव्यापी है. And he is omniscient. और सर्वज्ञानी है. He is all that. और ये सब कुछ है. My God. मेरा परमेश्वर. He is my father. वो मेरा पिता है. Hallelujah. Hallelujah. He is almighty. सर्वशक्तिमान है. He is present everywhere. सर्वव्यापी है. And he is सर्वज्ञानी. और सर्वज्ञानी है. Hallelujah. Hallelujah. He is God of the night. और वो रात का परमेश्वर है. He is God of the day. वो दिन का परमेश्वर है. He is God of the mountain. वो पहाड़ों का परमेश्वर है. He is God of the valley. घाटियों का परमेश्वर है. So whether I go through valley. So चाहे मैं घाटियों में से भी गुजरूं. Or I face a mountain. या फिर पहाड़ का सामना करूं. He doesn't hold any fear. और उससे हमें कोई भय नहीं. Because my God is in control of all. क्योंकि मेरा परमेश्वर सबके ऊपर नियंत्रण रखता है. Hallelujah. There is nothing to fear. और किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है. We don't fear our past. हम अपने बीते समय को डर के लिए डरते नहीं है. No, we are not afraid of the present. और ना वर्तमान समय के लिए डरते हैं. We are not afraid of the future. और ना भविष्य को सोच के हम Hallelujah. डरते हैं. Hallelujah. There is a true story. एक सत्य कहानी है. There was a husband and wife living together. एक पति पत्नी थे जो रहते थे. All the children got married and they all. उनके बच्चे सब बड़े होकर उनका विवाह हो गया. वो लोग सब इधर उधर चले गए. Old man and his wife left. अब ये बुजुर्ग जो पति पत्नी है वो रह गए हैं. There was one problem. लेकिन एक समस्या this थी. This old man was a drunkard from a very young age. ये बुजुर्ग व्यक्ति मनुष्य जो था पुरुष जो था बहुत जवानी से वो एक शराबी बन गया था. His morning breakfast was drinks. और सुबह से लेकर वो पीने शुरू करता था. Lunch was drink. दोपहर का भोजन भी शराब था. Evening, dinner शाम was को drink. भी शराब पीता था. Drinking हर समय. But his wife was a very spiritual lady. लेकिन उसके पत्नी तो थी वो बहुत आत्मिक एक स्त्री थी. She would go to church every time the church is open. जब कभी भी सभा होता था गिरजे में वो हमेशा वहां पर मौजूद पाई जाती. Every Sunday. हर रविवार को. She would get ready and go. वो तैयार होके कलीसिया जाती थी. And she kept praying for this man. और लगातार वो अपने पति के लिए प्रार्थना करती रही. And this husband got so tired of his wife going to church. और ये पति जो है इतना थक गया कि और परेशान हो गया कि उसकी पत्नी जो है बार बार गिरजा जाती थी. And he started getting very angry every Sunday. और हर रविवार को वो गुस्सा हो जाता था. Every Sunday morning she will prepare the breakfast and serve him breakfast and everything taken care. Then he will get ready. She will go to church. हर रविवार के सुबह वो उठती थी नाश्ता तैयार करके उसको खिला के तब वो तैयार होके गिरजा जाती थी. It used to irritate this man. लेकिन ये बात जो है इस पति को बहुत परेशान कर दिया. Because seeing his wife, क्योंकि अपने पत्नी को देखकर she was very loving, वो बहुत प्रेम से भरी हुई थी. Very peaceful, और बहुत शांतिपूर्वक रहती थी. Very gentle,
और बहुत कोमल थी. Such a nice wife. इतनी अच्छी पत्नी थी. And, but what to do? I want to stop her from going. लेकिन क्या करे, ये पति जो है वो रोकना चाहता था इसको गिरजा जाने से. So one day he decided he will really show her and stop her. So एक दिन पति ने सोचना, एक योजना को बनाया. So what he did? उसने क्या किया? He had a gun. उसके पास एक बंदूक था. And when she went to the dressing room to dress up for the church. और जब ये पत्नी जो है तैयार होने के लिए गई. He said, "Today I am going to show her." पति ने बोला कि आज मैं इसको दिखाऊंगा. I am going to stop her. मैं इसको रोकूंगा गिरजा जाने से. From this Sunday she will never go. इस रविवार से अब आगे कभी नहीं जाएगी. So he brought that gun. So पति जो है बंदूक लेके पहुंचा. And stood at the entrance door. और उस कमरे के द्वार पर खड़ा हो गया. Through which she always go to church. और जिस द्वार से वो निकल के कलीसिया में जाती थी. And the wife got ready and with the Bible. और पत्नी जो है तैयार होकर अपने बाइबल को उठा के came out, वो बाहर निकली. And went to the door. And he said, और देखा कि सामने पति खड़ा है बंदूक लेके. Let me see if you will go to church today. और पति ने बोला मैं देखता हूँ कि आज तुम कैसे गिरजे में जाओगे. Standing there and pointing the gun towards her. और वो बंदूक वो लेकर खड़ा हो गया. And she was so cool and peaceful and. लेकिन ये स्त्री जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ी हो गई. And she started smiling. और फिर मुस्कराने लगी. While smiling, she got more angry. और फिर वो पति और भी गुस्सा हो गया कि अब ये मुस्करा क्यों रही है. What are you going to do? तुम क्या करने जा रहे हो? If I shoot you right now, अगर मैं आज गोली मार दूं, you go to church? क्या तुम गिरजा जा पाओगी? You know, she started smiling and she said. वो और मुस्कराने लगी और बोलने लगी. If you shoot me, अगर आप मुझे आज गोली मार देंगे, I will go to heaven. तो फिर मैं स्वर्ग चली जाऊंगी. If you don't shoot me, अगर आप नहीं गोली मारेंगे, I'll go to church. मैं गिरजा जा रही हूँ. So it doesn't make any difference. So इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Hallelujah. Hallelujah. If you shoot me, अगर आप गोली मारेंगे, I'll go to heaven. मैं स्वर्ग सीधे चली जाऊंगी. And there is nothing better than going. और उससे बेहतर और कोई काम है नहीं. Going to my heavenly father's home. कि मैं अपने स्वर्गीय पिता के घर जाती हूँ. Hallelujah. Hallelujah. There is a father waiting for me. मेरे लिए मेरा पिता इंतजार कर रहा है. My home is that. मेरा घर वही है. But if you don't shoot, लेकिन अगर आप गोली नहीं मारेंगे, I will go to his house. मैं तो गिरजा जा रही हूँ, उसके भवन में जा रही हूँ. So you do whatever you want. So आप जो मर्जी चाहे आप करें. He didn't know what to do. अब वो नहीं जानता था कि क्या करें. That is the assurance. यही वो निश्चय है. Being a child of God. परमेश्वर का संतान होने का. You must know who you are. आप जानते हैं कि आप कौन हैं. I pray that all of us will have that confidence. We will live with that confidence. मेरी प्रार्थना यही है कि हम सबका यही वो निश्चय होगा, यही वो हियाब होगा. No religion can give us that assurance. कोई भी धर्म हमें ये निश्चय नहीं दे सकता है. No science, no philosophy can give. कोई विज्ञान नहीं, कोई अध्ययन नहीं दे सकता है. Only the giver of life. सिर्फ वो जीवन देने वाला प्रभु. Jesus Christ. यीशु मसीह. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. So there is nothing to fear. So किसी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है. Everything is our life and our times are in His hands. सब कुछ हमारा जीवन और हमारा समय यीशु के हाथ में है. We are always under His watch. हम हर समय परमेश्वर के निगरानी में है. As I said, He is the God of the mountain and the God of the. जैसे कि मैंने कहा, वो पहाड़ों का परमेश्वर है और वो घाटियों का भी परमेश्वर है. When I pass through the valley of the shadow of death, और जब मैं मृत्यु के घाटी से मैं गुजरता हूँ, I will fear no evil. मैं किसी भी दुष्टता को के डरूंगा नहीं. Because you are with me. क्योंकि प्रभु आप मेरे संग हैं. Praise God. Hallelujah.
We have a home, permanent home in heaven. हमारे पास एक स्थायी घर है स्वर्ग में. That is why Jesus said. और इसलिए यीशु ने कहा. Let not your heart be troubled. कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. Believe in God, my Father, and believe in me. मेरे पिता परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो. In my Father's house there are many rooms. मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं. But लेकिन I am going to prepare a place for you. मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने के लिए. Our heavenly Father, our Lord Jesus Christ came and he died as a sacrifice to save us from our sin. Then he rose again. Then he went back to heaven. हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हमारे लिए एक बलिदान बन गया, पापों के खातिर वो मर गया, लेकिन मुर्दों में से फिर से जी उठा और स्वर्गीय स्थानों में चला गया. And he said, I am going there. और यीशु ने कहा मैं वापस जा रहा हूँ. And I am going there to prepare a place. और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए. God is preparing a place for you. परमेश्वर आपके लिए एक स्थान तैयार कर रहा है. You don't have a house here. आपके पास इस संसार में कोई मकान नहीं है. You may be living in a mud hut. हो सकता है आप मिट्टी के घर में रह रहे हो, और चौपड़ी में रहते हो, या किसी झोपड़ी में. You don't worry. आप चिंता ना करें. You be happy. आप खुश रहे. Because for you, our heavenly Father is making a mansion in heaven. क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जो है स्वर्गीय स्थानों में एक महल को बना रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Earthly houses will be will destroy, can be destroyed. ये सांसारिक भवन जो है ये नाश हो जाएंगे. Earthquake. और जो जब भूकंप आते हैं. Bomb. या बम फटते हैं. Fire. या आग से. Anything can destroy our house. कोई भी बात से हमारा मकान चला जाएगा. But the house my Father and our Lord Jesus Christ is building there, nothing, no power on heaven or earth or under the earth can destroy the house that Hallelujah. God is preparing for लेकिन you. जो मकान हमारा स्वर्गीय पिता आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहे हैं स्वर्गीय स्थानों में, उसमें कोई भी ताकत स्वर्ग में या पृथ्वी में या भूमंडल में उसको नाश नहीं कर सकता Hallelujah. है. Hallelujah. So there is nothing to be afraid of. और किसी भी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है. The rest I will speak to you next Sunday. बाकी की बातें मैं अगले रविवार को But बताऊंगा. For us to लेकिन live. इतना ही काफी है आज के लिए. Looking for Jesus. हम यीशु को देखते रहे. Anyone here who does not know him. अगर कोई भी यहां पर मौजूद है जो यीशु को नहीं जानता है. Please surrender your life to him. मैं विनती करता हूं अपने जीवन को समर्पित कर दे उसके हाथों में. So that when your life here on earth is over. ताकि जब आपका जीवन इस संसार में समाप्त हो जाएगा. You know where you will go. आप जानने पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं. Amen. Hallelujah. You want to be with Jesus. अगर आप यीशु मसीह के संग रहना चाहते हैं. It is going to be 3 years since my wife left me. और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर 3 वर्ष होने जा रही हैं. I know where she is. मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है. Hallelujah. Hallelujah. And I will see her. और मैं फिर से उसे देखूंगा. That is the hope. यही वो आशा है. Praise God. Hallelujah. He is in the best place. वो सबसे उत्तम स्थान में है. But she is not yet in that mansion that is prepared for. लेकिन अभी भी वो उस महल नहीं पहुंची है जहां पर जो परमेश्वर तैयार कर रहे हैं. She still doesn't have the resurrection body. अभी भी वो पुनरुत्थान किया हुआ देह उसके पास नहीं है. But she is with Jesus. लेकिन इस समय वो यीशु मसीह के संग है. This is God's mystery. ये परमेश्वर का एक राज है. Hallelujah. Hallelujah. But when Jesus comes for the church. लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे अपने कलीसिया उठाने के लिए. First, there is going to be a resurrection. सबसे पहले एक पुनरुत्थान होगा. Those who died in Jesus. जो लोग यीशु मसीह में सो गए थे. Those who knew Jesus. जो लोग यीशु मसीह को जानते थे. And worshipped him and served him. और उसकी आराधना और सेवा किया. And died. और मर गए. They shall be resurrected. वे जी उठाए जाएंगे. Not everybody. सब लोग नहीं. But only those who are in Christ. सिर्फ वे लोग जो मसीह में पाए जाते हैं. They shall be resurrected. उनका पुनरुत्थान किया जाएगा. That is the resurrection when these people will receive the resurrection body.
और यही वो पुनरुत्थान है जब इन लोगों को वो पुनरुत्थान किया हुआ देह मिलेगा. So they shall be resurrected with the resurrection body. So वे लोग का पुनरुत्थान जब होगा वो पुनरुत्थान वाला देह उनको मिलेगा. Amen. Amen. And there shall be and those of us who are alive. और हम लोग जो जीवित हैं. We shall be changed. हम बदल दिए जाएंगे. This body will go. ये शरीर चला जाएगा. And we too shall receive a resurrection. और हमें भी वो पुनरुत्थान किया हुआ देह मिलेगा. And the Bible says. और बाइबल कहती है. Together we shall be caught up. एक साथ मिलकर हमें ऊपर उठा लिया जाएगा. And we shall meet Jesus up in the air. और हम यीशु को हवा में मिलेंगे. We will never Hallelujah. Again, we will never again be separated. हम कभी भी फिर अलग नहीं होंगे. We will be with him. हम यीशु के संग रहेंगे. Wherever he is. जहां कहीं भी वो है. Hallelujah. Hallelujah. Forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए. Oh, Hallelujah.